लेते हैं पहले। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे एचएस की मेंस के पेपर के बारे में। यह है आपका जीएस वन, इसके बारे में बात करेंगे कि आपको ये आखिरकार सॉल्व कैसे करना है। तो 2016 से हम देखें तो जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें एक पैटर्न बना हुआ है। 2016 में वही आया, 17 में वही आया, 18, 19, 20, और उस वक्त से ये ऐसा ही ट्रेंड चला आ रहा है। तो आपको जो प्रेपरेशन है वो भी उसी तरीके की करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ पहले कि आखिरकार आपको करना कैसे है। ध्यान से समझिएगा, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आंसर राइटिंग की भी आपको यहीं से पता लग जाएगा कैसे करना है आपको। इसको मैं पॉइंट वन पे कर देता हूँ क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं होगी यहाँ पर। मेंस की बात करूं, जीएस वन, जीएस टू एंड जीएस थ्री, तीन जीएस के पेपर होते हैं, तो उन तीनों का सेम पैटर्न है, बस आपको वो समझना है। एक से लेकर के 15 तक 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 60। 60 वर्ड्स में आपको वो कंप्लीट करना है। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? सही का मतलब ये है कि इज, एम, आर, दी, देयर, वाज, वर, ये शब्द नहीं है, तो ये गलती मत कीजिएगा, ये शब्द हैं। अब आपको मैं क्यों कहता हूं कि आप थोड़ा सा खुला खुला लिखिए, बड़ा बड़ा थोड़ा लिखिए। अब 60 वर्ड्स में आपको लिखना है, और वो क्वेश्चन कैसे होंगे, और इसमें जो मार्क्स होंगे ये होगा आपका 4 मार्क्स का, 4 नंबर का। अब देखिए, जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछे हो कुछ, एक से लेकर 15 तक 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वर्ड लिमिट कितनी है 60। 60 वर्ड्स में आपको ये कंप्लीट करना है और आपको 4 नंबर इसमें मिलेंगे। अब ये वाला हमने नहीं पढ़ा कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, व्हाई डिड द कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ये आपको 60 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। यहां पर आपको पूरी डिटेल नहीं देनी उस चीज की, यहां पर कोई ऐसा आपको नहीं बोला है कि डिस्कस कीजिए कुछ कीजिए, 60 वर्ड्स में आपको ये कंप्लीट करना है। अननेसेसरी चीजें यहां पर आपको नहीं डालनी है, जो यहां पर पूछा गया है बस वही करना है। जैसे ये एग्जामिन है, इस वर्ड्स की हम बाद में बात करेंगे क्रिटिकली, ये पहले भी हमने बात की थी वैसे, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा। पहले आपको ये पैटर्न एक बार दिमाग में डाल दीजिए कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। अगर वो चीज आपको पता लग गई तो आधी कहानी यहां पर सॉल्व हो जाएगी। 60 वर्ड्स कितने हैं? 4 मार्क्स। वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए अगर आप लिखते हैं 10 लाइंस लिखते हैं, आप इसमें 6 वर्ड्स पर लाइन, है ना, आपकी 10 लाइन बन जाएंगी। अब दिक्कत यह होगा कि अगर आप 8 लाइन लिखते हैं, अगर आप 8 वर्ड्स लिखते हैं, 10 वर्ड्स लिखते हैं, तो आपकी 6 ही लाइन बनेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ही लाइन में आप 10 वर्ड लिख देते हैं, जैसे यही आपने कर दिया यहां पर, हाउ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपने एक ही लाइन में कर दिया, तो क्या होगा को आपका जो आंसर है वो छोटा पड़ जाएगा। छोटा पड़ जाएगा तो एक तो मेरे दिमाग में जो, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो वहां पर आपके चेक नहीं करेगा कि आपने कितने शब्द लिखे हुए हैं, क्योंकि एचएस की अगर पूरी बात की जाए तो आपको लगभग 3500 वर्ड्स लिखने हैं। मेंस की बात करूं मैं तो 3500 वर्ड्स हर एग्जामिनर चेक नहीं करता बैठेगा वहां पर कि उसने 3500 वर्ड्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। तो पहली चीज तो आपने दिमाग में ये लानी है। तो आखिरकार ये चेक कैसे होंगे फिर? 3500 वर्ड्स जो आपने लिखे हुए हैं, 60 यहां पर लिखे, 60 यहां पर लिखे, 60 यहां पर लिखे, 60 यहां पर लिखे, चेक कैसे करेगा वो? चेक इस तरीके से करेगा, एक तो उसके माइंडसेट में पहले ही होगा कि ये जो 60 वर्ड्स है वो लगभग इतने आएंगे। दूसरा मेथड ये होगा कि वो पहली लाइन में आपके गिन लेगा कितने वर्ड्स हैं, कि मान लीजिए यहां पर आ गए 6 वर्ड्स या 7 वर्ड्स, पहली लाइन में आपने 7 वर्ड्स आ गए हैं एक लाइन में, तो फिर नीचे की तरफ कैलकुलेट कर लेगा कितनी लाइन लिखी हुई है।
आठ या नौ लिखी हुए तब ठीक है, उससे ज्यादा लिखी हुई तब आपका एक्सीड कर रहा है, जो वर्ड्स हैं वो एक्सीड कर रहे हैं, तो वो भी एक्सीड नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा आप आंसर को जब आप लिख रहे हैं तो अब देखिए, अब वो बात आ गई है क्योंकि आपने शुरुआत कर दी आंसर राइटिंग की। अब देखिए कि आपके हर एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं लगभग, और आपकी जो स्पीड है वो कितनी है। अब वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी स्पीड, अब वो यहीं से आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए अभी, अब मैंने कहा 1 से लेकर 15 तक 60 वर्ड्स के आएंगे, तो यानी कि अगर इनको कैलकुलेट किया जाए, 60 मल्टीप्लाई बाई 15 तो कितना आया, 900। ठीक है ना, 900 वर्ड्स में आपके ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। टाइम भी हमारे पास, उसको भी देखेंगे। अब फिर 16 से लेकर के 25 तक 120 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे आपको, और वो कितने होंगे, 8 नंबर के होंगे, 8 मार्क्स। धीरे धीरे हम ऐसे की बात करेंगे, हिंदी पेपर की बात करेंगे, ऐसे की पेपर की बात करेंगे, तो आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कितने क्वेश्चन हो गए, ये 10 क्वेश्चन हो गए यार। 16 से 25 तक कितने हुए, 10 क्वेश्चन, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें, 120 वर्ड्स हैं, तो 120 गुना 10, तो ये कितना आ गया, 1200। 1200 वर्ड्स आपके पास यहाँ हो गए, 900 वर्ड्स आपके पास यहाँ हो गए। अच्छा, अगला कैलकुलेट करें जरा। तीन ही आपके सेक्शन आएंगे इसमें, जीएस में। तीसरा सेक्शन होगा 26 से 28 तक, 26, 27, 28, 3 क्वेश्चन। वर्ड लिमिट कितनी है, 400 वर्ड्स। कितने नंबर का, 20। इसको कैलकुलेट करें, 3 क्वेश्चन है ना, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 400 वर्ड्स हैं, तो ये कितना हो गया, 1200 वर्ड्स। अब कंप्लीट करते हैं जरा इसको, फिर देखिए आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 900, 1200 और 1200, तो लगभग कितना हुआ ये, 0, 0, 3, 3 है ना, 3, 3300 के आसपास। तो इसमें से रफली अगर हम माने, रफली रख लीजिए आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो लगभग 3000 वर्ड्स के आसपास करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको आप जो आते ही नहीं होंगे, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे ना, लेकिन छोड़ना तो नहीं है। अब रफली अगर इन 3000 वर्ड्स को, जीएस में आपके पास कितने वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स आपके पास मैक्सिमम लिमिट है, ध्यान से समझिए इस चीज को, ये गेम है एक, अगर उस जुआ है, इस जुए को समझ गए, एग्जाम क्रैक हो गया। यूपीएससी में ये वर्ड लिमिट हो जाती है 4000 के आसपास। एचएस की बात करें तो आपके पास जो वर्ड लिमिट है वो लगभग 3300 के आसपास है। तो अगर मैं इसको रफली 3000 मानता हूं, 3000 के आसपास आप लिखते हैं, और आपके पास टाइम कितना है, 3 आवर्स, 3 घंटे हैं आपके पास, और 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 180 मिनट्स, है ना, 3 घंटे में 180 मिनट। सिक्सटी सिक्सटी सिक्सटी, यहां तक समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं आप सभी को। जल्दी बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक यहां पर, हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसी को है अगर तो हाथ खड़ा करो, नहीं है, ठीक है, 3 आवर्स 180 मिनट्स। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 180 मिनट में 3 घंटे में लिखते ही रहेंगे बस, नहीं होगा ना, कुछ तो सोचना भी पड़ेगा आपको, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सोचना पड़ेगा, लगभग 1 मिनट तो आपको सोचना ही पड़ेगा मिनिमम अगर रखूं तो, कि आपको लिखना क्या है, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये मत समझिए कि आपके पास 5 मिनट है सोचने के लिए, 1 मिनट सोचने के लिए आपके पास, उसके बाद लिखना है। अगर आप 2 मिनट दे रहे हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए,
अब यहां पर देखिए स्पीड कैसे मैटर करती है, आपको अपनी स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्टॉप वॉच सामने रखिए, 1 मिनट में आप कितने वर्ड लिख पाते हैं, देख के नहीं बिना देखे हुए। देखकर तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं, बिना देखे आप कितने लिखते हैं वो मैटर करता है। अब यहां 180 में से मैंने 30 मिनट निकाल दिए कि 30 मिनट आप सोचेंगे, ठीक है, ये आपने सोचने में लगा दिए। एक क्वेश्चन के लिए 28 क्वेश्चन है आपके पास टोटल, तो एक एक रफली मैंने रखा, थोड़ा सा ज्यादा भी लग सकता है किसी में। आपके पास है 150 मिनट, ठीक है जी। तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 150 के हिसाब से, ध्यान से देखिए इस चीज को। 150 मिनट है आपके पास, अगर इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई किए जाए 20 से, तो यही आएगा ना, 15 दून 30, कितना आ गया आपके पास, 3000 वर्ड्स, 20 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से। अगर मैं देखें कि 1 मिनट में आप एक अगर 20 शब्द लिखते हैं तो आपका 3000 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी स्पीड कितनी रखनी है, लगभग 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, चेक करिए जरा, 25 to 30 तो आएगी, 20 तो अभी नॉर्मल आपकी होगी ही। अब क्या करना है, उस स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा करना है, क्योंकि आपको हो सकता है सोचने में ज्यादा टाइम लगे, ठीक है। तो सोचने में बेशक आपका ज्यादा टाइम लगे, स्पीड आपकी है ही, ऐसे तो होगा ना, फिर आप ठीक लिखेंगे। तो सोचने में आपका ज्यादा टाइम जा रहा है, आपने माइंड मैप या कुछ भी बना लिया, उसमें हो सकता है आपका 1.5 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, दो तो ज्यादा हो गया फिर, किसी में 1.5 मिनट लग सकता है, किसी में 1 मिनट लगेगा। तो ये रखिए कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो लगभग इतनी होनी चाहिए। कंप्यूटर पर आप देखते हैं ना, जब आप कंप्यूटर में देखते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है, तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए कि आपकी स्पीड कितनी है और एक लाइन में आप कितने लिख रहे हैं। एक चीज क्या देखनी है कि एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिख रहे हैं लाइन में। दूसरा चेक क्या करना है कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स लिख रहे हैं। दो चीजें आपने आज चेक करनी है, और आपने माइंड में ये बिठा रखना है कि आपके पास लगभग कितने हैं, 3000 या 3300 वर्ड्स हैं जीएस में लिखने के लिए। तो आपकी इतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि 3 घंटे में आप, 3 आवर्स में आप 3000 या 3300 वर्ड्स लिख पाए, ये भी कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 क्वेश्चन के बाद थक गए या हाथ दर्द करने लग गया, अब नहीं लिखा जा रहा। वो क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की उतने लेवल पर। हो सकता है आपने सिर्फ दिन में दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो, और वहां पर लिखने पड़ रहे हैं 28 क्वेश्चन, 3300 वर्ड्स, इसकी भी पहले प्रैक्टिस होगी। मेंस की जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो मॉक टेस्ट कुछ होंगे, तो आप पहले क्लियर कीजिए, प्रीलिम क्लियर कीजिए, ये तो मेंस की बात है फिर। लेकिन पहले से माइंडसेट इतना बना के रखिए कि आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, अभी इससे कम है तो सोचने की जरूरत है थोड़ी आपको। अगर आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट से भी कम है स्पीड, तो फिर सोचने की जरूरत है, क्योंकि 20 से ज्यादा हो सकती है, 20 से 21 22 23 बढ़ सकती है धीरे धीरे। तो इसको एक बार चेक कीजिए कि कैसे करना है आपने। अब मैंने कहा इसमें 3 सेक्शन है आपके पास, 3 सेक्शन आपको पता लग गया कि 1 से 15 तक 4 नंबर के, जिसमें 60 वर्ड्स हैं, और इसमें से आपको कौन कौन से करना है। अभी जब आप करेंगे, अभी इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा हुआ है, पार्टीशन के बारे में, इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है। ये एक लिखना है आपने, ये एक्सप्लेन ब्रीफली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, 60 वर्ड्स, उससे ज्यादा नहीं जाना है अभी। बेशक जब आप शुरू कर रहे हैं ना लिखना, अभी बेशक आप ऐसा कीजिए, आप इसी आंसर को 100 रख ले जाओ शुरुआत में, शुरुआती दौर में, बाद बाद में देखेंगे इसको थोड़ा कम करेंगे, लेकिन अभी आप 100 तक जाओ, यहां पर 100 वर्ड्स तक।
यहाँ पर लिखा है 60 वर्ड्स, लेकिन आपने 100 वर्ड्स में लिखना है ये। एक्सप्लेन ब्रीफली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये बात करंट अफेयर में भी आई थी। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आपको जैसे लॉकडाउन लग रहे हैं इसी एक्ट के अंतर्गत है, तो वो भी एक बार चेक कीजिए। एक क्वेश्चन आपको ये लिखना है, डिफाइन क्लाउड बर्स्ट। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप कुछ खुद से भी लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छी बात है कि आप लिख रहे हैं। डिफाइन क्लाउड बर्स्ट, खैर इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं था, फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा। व्हाट इज कास्ट टोपोग्राफी, हमने इसके बारे में देखा था। अब क्या होगा, 60 वर्ड्स में आप इसको लिख नहीं पाएंगे क्योंकि आंसर बड़ा हो जाएगा। आपने क्या लिख देना है, इरोजनल फीचर लिख देना है, एक्सप्लेन नहीं करना हमको, बस आपने इरोजनल फीचर के बारे में लिख देना है। पहले तो आपने कास्ट टोपोग्राफी के बारे में लिख देना है कि क्या है ये, फिर जहां पर आएगा इरोजनल फीचर्स, डेपोजिशनल फीचर्स, अगर उसके बारे में आप एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो वो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कास्ट टोपोग्राफी की। ये हमसे यही चाहता है कि ये कास्ट टोपोग्राफी आखिर है क्या, ये नहीं पूछ रहा है कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर अगर आप लिख रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन नहीं करना है, मेजर फोकस होना चाहिए कि आपका कास्ट टोपोग्राफी होती क्या है। हमने कर लिया ये वाला। ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉलिसीज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं जो जो यहां पर आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज जो चलाई है, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि पॉलिसीज जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद आपने तीन चार जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कंक्लूजन दिया है, वैसे तो उसमें कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं क्योंकि 60 वर्ड्स का है। वहां पर आप कुछ स्कीम्स ऐसी है, अगर मान लीजिए एक्सप्लेन आप जब कर रहे हैं तो वर्ड लिमिट ज्यादा एक्सीड कर रही है, तो उनको एक्सप्लेन नहीं करके उनको छोड़ दीजिए। लास्ट में लिखना है कि ये स्कीम जो है ये स्कीम भी है, क्योंकि वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है तो आप उनको एक्सप्लेन करने नहीं लग जाना है, क्योंकि नंबर आपको 60 वर्ड्स के ही मिलेंगे। अगर आप इसी आंसर को 200 वर्ड्स में लिखते हैं आपको 200 में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। 70 वर्ड्स में जो आपने देख लिया वो देख लिया, उसके बाद ये लग जाएगा भाई ये अननेसेसरी चीजें हैं, हमको ये चाहिए ही नहीं। तो आपने जो मेहनत की हुई है वो खत्म हो जाएगी। हाईलाइट ब्रीफली द कंपोनेंट्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में जो जो कंपोनेंट्स हैं उसके उसके बारे में आपको बताना है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि कब आया, उसके बाद इसके कंपोनेंट्स। सर्च कीजिएगा नेट पर, मिल जाएंगे आपको। सत्याग्रह के बारे में हमने बात नहीं की है, एक्सप्लेन गांधीयन कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। हिमाचल के ये जो क्वेश्चंस हैं, ओके, जैसे ये बताया गया है डिस्क्राइब मेन फेस्टिवल्स ऑफ द गद्दी ऑफ हिमाचल प्रदेश, लिख सकते हैं आप, इजीली लिख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने जो गद्दीज में जो फेस्टिवल हो रहे हैं मेन फेस्टिवल उसके बारे में आपने लिख दिया, 60 वर्ड्स में लिखना है, पर ये भी ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ किन्नौर एंड लाहौल स्पीति रीजन, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा अभी तक। ये कहाँ से आए हैं, कल्चर से आए हैं, आर्ट एंड कल्चर से, ये कर लिया है। इजी क्वेश्चन आया, देखो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन पेनिनसुला इंडिया। अच्छा, ड्रेनेज टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम हमने नहीं पढ़ा था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, एक मिनट। नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, इजी क्वेश्चन आया हुआ, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट से आया हुआ, ऊपर भी डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया था। हाउ डिड द इन्विटेशन ऑफ टू द गोरखास बाई राजा महान चंद ऑफ द कहलूर चेंज द होल कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ शिमला एंड पंजाब, इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको लिखिए पहले। ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी एंड अल्टीट्यूड विच आर द मेजर जियोग्राफिकल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश, अभी मत कीजिए इसको भी।
है। अच्छा ये आ गए थे आपके 120 वर्ड्स के, है ना, 120 वर्ड्स के, और 8 नंबर कहेंगे। और ये वाला पोर्शन आ गया आपके 400 वर्ड्स के, ये 3 क्वेश्चन, जिसमें पहला है द कांग्रेस एजेंडा ऑफ नेशनल यूनिटी वॉज अंडरमाइंड बाई द इवेंट्स बिटवीन 1937 एंड 1939, ऑल्सो हाईलाइट द कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, कि जो 1947 से 1937 से 1939 के बीच घटनाएं हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम को दुर्बल बना दिया, क्यों बना दिया, इसी दौरान क्या हो जाता है, कौन कांग्रेस छोड़ के भाग जाता है, भाग जाते हैं, क्विट कर देते हैं कांग्रेस को, भाई हम नहीं कांग्रेस में रहते। एक्सप्लेन द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये तो एक्सप्लेन करने वाले हैं लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मोटिव यही था कि आपको बताया जाए कि जीएस में आखिरकार कैसा पैटर्न आता है और आपको अपनी वर्ड लिमिट किस तरीके से निर्धारित करनी है और वर्ड्स कितने करने हैं, आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, एक लाइन में कितने वर्ड्स आपके होने चाहिए, अब इस पर फोकस करना है। पहला स्टेप हो गया है, जिसका भी पहला स्टेप नहीं हुआ है वो पहला स्टेप कर ले, कि पहले वो क्वेश्चन लिख ले। पहला है क्वेश्चन को लिखना बिना सोचे समझे। सेकंड स्टेप है फिर आपको जानना कि आपको लिखना कितना है, आप उससे थोड़ा सा एक्सीड कर सकते हैं, एक्सीड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि 60 से आप कितना लिखिए, अभी 100 लिखिए, 100 वर्ड्स लिखिए अभी, ये सेकंड स्टेप है आपका, सीधे ही 60 वर्ड्स में नहीं आ जाना है, उससे क्या होगा आप चीजें छोड़ देंगे, लिखना छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कि अब लिखें क्या छोड़ें क्या, तो 100 वर्ड्स में आपको पता लग जाएगा। तीसरा स्टेप आपका फाइनल स्टेप होगा, उस वक्त आपको वर्ड लिमिट के आधार पर ही मार्क्स मिलेंगे, फिर जितना आप लिखा हो उससे ज्यादा लिखा होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे फिर, तो वो होगा तीसरा स्टेप। अभी आप दूसरे स्टेप पर हैं और जिसका पहला नहीं हुआ है वो पहला ही कर ले। अब मुझे ये बताओ, ये तो चीज आपको समझ आ गई होगी, और GS2 भी ऐसा ही होता है, GS3 में भी सेम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ऐसे हैं वो भी कंपाइल कर दिए हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशन जो है, अब सोच रहा हूँ कि आपको सॉल्यूशन उनके साथ में दे दूं या पहले आपको लिखने कहें, क्योंकि दिक्कत ये भी होगी कि वही टॉपिक सेम तो नहीं आएंगे, है ना, वो जो पीछे पूछे गए हैं, लेकिन उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आया, कैसे एसे का पैटर्न चला हुआ है अभी तक। जैसे अगर हम इसी मेंस की GS1 की ही बात करें, 2016 17 18 19 20 मेंस की बात करें, तो आपको मेंस का पैटर्न समझ आ जाएगा GS1 का, कि कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसी तरीके से GS2 को अगर देखा जाए तो आपको GS2 का पता लग जाएगा, हिंदी के पेपर को देखा जाए तो आपको हिंदी के पेपर का पता लग जाएगा कि मेंस में कैसे पूछते हैं, जैसे हम प्रीलिम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है, अभी तो मुझे काम है जो कल के लिए बनाना है। अब ये बताओ मुझे कल की टाइमिंग क्या होगी, कितने बजे क्लास लगाएंगे, क्योंकि लंबी क्लास चलेगी 3 4 घंटे चलेगी, तो उसके लिए टाइम बनाओ।